हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ क्रोसिन के बारे में। क्रोसिन एक इंडियन मार्केट का सबसे ज्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, जो कि हर एक डॉक्टर फीवर में या कोल्ड और फ्लू के सिम्टम्स में जरूर लिखते हैं। फ्रेंड्स, क्रोसिन के अंदर पैरासिटामोल होती है और हमारे बच्चों को ये बहुत तरीके से दी जाती है। क्रोसिन सस्पेंशन, सिरप और ड्रॉप्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, जो कि हम छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बच्चों को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्रोसिन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू कन्फर्म कि मैं क्रोसिन का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेसिस के लिए है। अगर आप अपने बच्चों को ये दवाई देना चाहते हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको सारी जानकारी तो वीडियो में दी ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्रोसिन जो है हमारे बच्चों के लिए तीन अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। क्रोसिन 100 मिलीग्राम पर एमएल एंड देन 120 मिलीग्राम पर एमएल एंड देन 240 मिलीग्राम पर एमएल, तीन स्ट्रेंथ में हमारी क्रोसिन अवेलेबल होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रोसिन के ड्रॉप्स के बारे में। 2 महीने से लेकर के 12 महीने तक के बच्चे को, यानी कि इन्फेंट्स को क्रोसिन के ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, राइट? तो क्रोसिन के ड्रॉप्स मेनली दिए ही इसलिए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटे बच्चों के लिए इफेक्टिव होते हैं, राइट? अब दूसरी बात, हम ये बात करते हैं कि क्यों क्रोसिन ही दिया जाए, क्योंकि क्रोसिन बहुत ही जल्दी फास्ट रिलीफ करता है और बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर असर दिखाना शुरू करता है। सेकेंडली, क्रोसिन के ड्रॉप्स की बेनिफिट ये होता है कि छोटे बच्चों के छोटे छोटे स्टमक के ऊपर ये बहुत ही माइल्ड रहता है और बहुत ही इफेक्टिव रहता है। दूसरा, हम बात करते हैं क्रोसिन 120 के बारे में। 1 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों के लिए क्रोसिन की एक खास पेशकश है, क्रोसिन 120, जो हम बच्चों को 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी डोज के बारे में। क्रोसिन के अंदर पैरासिटामोल होता है, जिसकी यूजली डोज होती है 12 मिलीग्राम पर किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम के ऊपर 12 मिलीग्राम को दवाई देनी है। अगर बच्चा 10 किलो का है तो आपको 100 मिलीग्राम की दवाई देनी है। क्रोसिन की प्रॉपर डोज, यानी कि पैरासिटामोल की प्रॉपर डोज की इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के अंदर दी है, जिसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट समझाया है कि पैरासिटामोल की डोज कैसे कैलकुलेट करनी है और कैसे अपने बच्चों को देनी है। तो 120 की जो प्रोडक्ट है मेनली, वो 1 से 5 साल के बच्चों को दिया जाता है। उसके बाद आता है हमारे बच्चों का 5 से लेकर के 12 साल तक के बच्चों के लिए क्रोसिन के सस्पेंशन, यानी कि क्रोसिन का सिरप, जो है क्रोसिन 120। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है लाइक प्रीवियस डोजेस। अब मैं आपको वीडियो को फिर से आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। आपको इस वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। पैरासिटामोल की डोज कैलकुलेट किए बिना बच्चों को ये दवाई ना दें, राइट? तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि फीवर के अलावा हम क्रोसिन को कौन कौन से सिम्टम में दे सकते हैं। सबसे पहले आता है फीवर, बुखार में हम अपने बच्चे को क्रोसिन दे सकते हैं। सेकेंड, टिथ ईयर एक्ट, अगर बच्चे के कान में दर्द है तो हम उसको क्रोसिन दे सकते हैं। उसके बाद आता है कोल्ड एंड फ्लू सिम्टम्स, अगर बच्चे को जुकाम खांसी और उसकी वजह से सिर में दर्द है तो भी हम अपने बच्चे को क्रोसिन दे सकते हैं। और उसके बाद आता है हेडेक, बच्चे के सिर दर्द में हम क्रोसिन दे सकते हैं। लास्टली, सबसे इम्पोर्टेंट आता है इम्यूनाइजेशन, यानी कि बच्चे का जब वैक्सीनेशन होता है और वैक्सीनेशन के बाद अगर बच्चे को बुखार आता है तो हम बच्चे को क्रोसिन दे सकते हैं, राइट? अभी मैं आपको बताती हूँ क्रोसिन के वार्निंग्स, यानी कि क्रोसिन की एग्जैक्ट कितनी डोज देनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रोसिन यानी कि पैरासिटामोल की डोज होती है 12 मिलीग्राम पर केजी। उसके हिसाब से बच्चे की डोज कैलकुलेट कीजिए वेट के हिसाब से और फिर बच्चे को दवाई दीजिए। सेकेंडली, आपको ये याद रखना है कि क्रोसिन की 1 दिन में 4 से ज्यादा डोज नहीं देनी है, राइट? यही इन्फॉर्मेशन अब मैंने आपको इस वीडियो में भी बताई है। फिर से बता रही हूँ कि 1 दिन में 4 डोज से ज्यादा क्रोसिन की नहीं देनी है।
मोरोवर 3 दिन से ज्यादा आपको क्रोसिन अपने बच्चे को नहीं देनी है। अगर बच्चे का फीवर 3 दिन के बाद भी नहीं जा रहा है और बच्चे को फिर से कॉन्टिन्यूसली क्रोसिन देने की जरूरत पड़ रही है तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और दवाई को वहीं पे रोक दें, राइट। उसके बाद अगर बच्चे को किसी भी तरीके की किडनी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवाई ना दें। अगर आपका बच्चा पैरासिटामोल से एलर्जिक है तो बच्चे को ये दवाई ना दें। ये कुछ खास इंडिकेशंस हैं जो आपको अपने बच्चे के लिए जरूर ध्यान में रखनी है और डॉक्टर की सलाह के बिना तो ये दवाई देनी ही नहीं है। अब एक बार बात कर लेते हैं क्रोसिन के प्राइस के बारे में। क्रोसिन का सस्पेंशन जो है मार्केट में 24 रुपीज का अवेलेबल है। उसके बाद क्रोसिन 120 जो 1 से 5 साल तक के बच्चों को देना है वो मार्केट में 34 रुपीज का अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करते हैं क्रोसिन 240 की जो मार्केट में अराउंड 48 रुपीज का अवेलेबल है। देखिए दवाई तीनों के अंदर पैरासिटामोल ही है। स्ट्रेंथ जो है बिल्कुल तीनों के अंदर अलग अलग की गई है क्योंकि बच्चे की एज के हिसाब से हमें बच्चे को कम दवाई देनी पड़े इस हिसाब से जो है कंसंट्रेशन बढ़ा दी गई है। दवाई एक ही है अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। अब आप ध्यान से इस वीडियो को देख करके अपने बच्चे के वेट के हिसाब से आप दवाई खरीद सकते हैं और इस हिसाब से अपने बच्चे को दवाई दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी क्रोसिन के बारे में सारी जानकारी। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रही हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।